जैन वस्तु तत्तम चरणयानंद मऊ शेनंद शाह परम सत्य पद विंद पाऊ नमियो शेत शोभा गुरु वे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थि गुरु संसार धर्म ज्योतौ जिनेवर कर खटियर थर जो भै नाश भव जो मन ममल ज्ञान पद देखो गुरु को धर्म को साची को परमानुष श्री चौबीस थाना ग्रंथराज जी ओम ओवन्ने ओवन्ने विंदे विंदे भवेनम विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सुरेयम् शुद्धं चाशुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवनिस्वभाव मनस्यममेदं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सुरियं सुन्नं सहावं सुरं बोलिए श्री चौबीस थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो। जय एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन सभी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री चौबीस थाना ग्रंथराज जी जी दीदी एक बार वो क्लियर कर दीजिए। नरक जाना है तो सही, एक बार वो उसको उसको थोड़ा दो मिनट के लिए बता दीजिए। एक मन में संकल्प है। अच्छा, मन में जिज्ञासा हो गई, बैठ गई बात की हम क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बोल दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि यदि कोई कहे भैया हम तो सच्चा श्रद्धान कर बैठे और मैं आत्मा हूँ, इस श्रद्धा तो हम है कि नहीं, लेकिन अपने को पता है कि पाप कर्म करने से नर्क जाएंगे, पता है कि नहीं पता। अब हमें नर्क ही जाना है और हम ये सच्चा श्रद्धान करके नर्क जाएं कि हम तो पाप करके नर्क ही जाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं भाई, तो क्या होगा बताओ। सम्यक दृष्टि हो कि नहीं बताओ, समय दृष्टि हो कि नहीं हो। सच्चा श्रद्धान करा कि नहीं करा, कि पाप करके ही नर्क जाएंगे। अरे हम तो सच्चा श्रद्धान कर रहे हैं, हम जो पाप कर रहे हैं ना ये पाप करके नर्क जाएंगे, सच्चा श्रद्धान है कि नहीं। आप तो बताओ हमारा श्रद्धान सच्चा है कि नहीं, हम पाप करके कहाँ जाएंगे, नर्क जाएंगे, सच्चा श्रद्धान है कि नहीं। अब तुम समय दृष्टि हो कि नहीं, सही बात तो समय दृष्टि पाप क्यों जानो, गलत जानो, उल्टा जानो। अब पाप क्यों कर रहा है जो समय दृष्टि हो। अब बात इतनी चल रही है कि जीव आत्मा 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 चिल्लाता तो है
आत्मा आत्मा की बात तो करता है, जिनवाणी पढ़ भी लेता है, जिनवाणी सुन भी लेता है, और ये भी कहता है कि भाई हम पाप कर रहे हैं, नरक तो जाएंगे और क्या अवस्था, इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ जीव की जो स्वच्छंद बुद्धि है या जीव की जो रुचि है, जो जीव की रुचि है वो पाप में से कसाई की है, उसे पाप करने के लिए जिनवाणी भी सहारा बन जाती है। तो यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय इतना था कि पाप को जान के पाप से ज्ञान सम्यक दृष्टि, जीव पाप को जान के पाप से हटे तो सम्यक दृष्टि। लेकिन लोग तो ऐसे मिलते हैं कि हम ही एक ऐसे जीव है, हमसे लोग कहते हैं ऐसा कर रहा, हम कहते हैं भाई हमें तो नरक जाना है इसलिए कर। वहाँ जो कर्तव्य बुद्धि है ना, पाप कार्य की रुचि रूप जो कर्तव्य बुद्धि है ना, वो कर्तव्य बुद्धि जब टूटती है, जब जीव को अंतर से क्या बोलते हैं, अंतर से जीव को क्या कहे, जब अंतर में सच्चा श्रद्धा रूप प्रकाश होता। अभी पाप बुद्धि टूट नहीं रही, अभी देखो तत्व का निर्णय भी कर रहा है, आत्मा की बात भी सुन रहा है, आत्मा की बात समझ भी रहा है, जिनवाणी सुन भी रहा है, जिनवाणी का वांछन भी कर रहा है। तो आप बताओ इतना सब करने के बाद भी क्या अपने जो पाप कार उनकी रुचि छूट रही है, क्या छूट रही कि नहीं छूट रही? भैया जी हाँ, जय शुद्धार्थम चैतान्तम जी। भाई जी बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है, कहिए। मतलब ये आपने जो मतलब जो आपका सेंटेंस था, हम लोगों को एक प्रकार का बहुत मतलब एक प्रकार का गाली कह सकते हैं अपन इसको, इसमें कोई समझ नहीं है कि हम लोग इतने बेसरम हो गए, हम मतलब हम भट्ट हो गए इस चीज को लेके कि हमारी ये चीज समझ में नहीं आ पा रही। और वो यही कह रहे हैं अभी भी कि अब हम पाप करना है, हम तो यही करेंगे, मतलब मन में तो है लेकिन कर नहीं पा रहा ये चीज। मतलब आप एक प्रकार से छीटा कसी हम लोगों के ऊपर हमें कर रहे हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ बने हैं तो अभी मतलब उस चीज से समझ नहीं पा रहा है। आज महाराज जी ने अपने ऊपर कर रहे हैं जी जी अपने ऊपर कर रहे हैं नहीं हम तो अपने ऊपर जय सिद्धार्थम जयतांत हम तो अपने ऊपर कर रहे हैं भगवान जी, हम तो बिल्कुल पक्का जान के पाप कर रहे हैं और ये बोल के कर रहे हैं नरध्याना। और देखो देखो ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि के जीवन में पाप नहीं होते, तो थोड़ा विषय निकल गया तो ये पता रहते हैं। पांच पांडव भी जुआ खेलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं कि वहाँ पाप करने में पूर्व कर्म का उदय निमित्त है या आपकी रुचि निमित्त है, और उस पाप कार्य में आपकी कर्तव्य बुद्धि कितनी तेज काम कर रही है। देखो भैया आप ऐसे कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि, यदि शास्त्रों में ऐसा उपदेश आया है कि सम्यक दृष्टि, यदि कोई सच्चा श्रद्धान कर ले सम्यक दृष्टि हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पाप कार्य या उसकी इच्छा या उसके अनादिकाल के संस्कार एक दिन में खत्म हो जाएंगे। कोई यदि तत्व का सच्चा श्रद्धान कर ले तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पुण्य आत्मा आपको धर्मात्मा घर में बैठा और बिल्कुल शुद्ध श्रावक जैसा दिखने लगेगा वो आपको, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। कैसा सिद्धांत नहीं? मान लो किसी को पान खाने की आदत है, तो मान लो सम्यक दर्शन हो गया तो एक दिन में पान खाने की रुचि खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है, अभी यही बात हम कर रहे हैं कि एक दिन में संस्कार खत्म नहीं होते, तो आप उसने तत्व को स्वीकार किया है, तत्व की मान्यता करी है, और अभी यदि वो साधु बन के घर से निकल गया होता तो संस्कार तोड़ता, लेकिन अभी उसी भूमिका में रह रहा है, उन्हीं संयोग बीच में रह रहा है और राग की धारा है, तो वो ये जानते हुए भी कि भैया क्या कि ये राग का परिणमन है, ये संस्कार है, वो पान खाने की आदत कम तो कर सकता है, कम कर सकता है, सावधान हो सकता है, पान खाने में क्या नुकसान है जान सकता है। और कोई कहे भाई तू पान खा नरक जाएगा तो कोई कह सकता है पान खा के मैं नरक ही जाऊंगा। लेकिन भगवान जी आप भाई जी ने बोला गाली इसलिए थोड़ा रिलैक्स दे दी हमने कि लेकिन उस संस्कार को तोड़ने में समय लगता है। कर्म का धारा, कर्म की धारा, धारा अरे इसी को चार तर्मोहिक औदे कहते हैं। मांगदंडी मुनि का उदाहरण दे रहा है, इसी को चार तर्मोहिक औदे कहते हैं, ये तो चार तर्मोहिक की धारा है।
इसलिए कहते हैं वर्तमान में की हुई निदान की भावना, वर्तमान में बांधा हुआ निदान, तुम साधु हो जाओ तो भोगना पड़े, इसलिए निदान मत करना। तुम जैसे कर्म बांधोगे यही बता रहे थे कि जैसे कर्म बांधोगे वैसे उदय में आएंगे। अभी महाराज जी ने पंच परिवर्तन के बारे में बताया, वास्तव में ऐसा झंझोर दिया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब भी मतलब बिल्कुल अब भी बैठ जाओ बस एक तरफ किनारे, कुछ नहीं करना। सही बात है, ऐसा एकदम से ऐसा झंझोर दिया आज महाराज जी ने पंच परिवर्तन के बारे में जो चीज बताई है, और सुना पहले भी सुना है इसमें कोई तो मत नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या है पूर्वक सुन रहे थे, लेकिन फिर बस यही है कि अब थोड़ी देर के लिए आता है, अब वो बना नहीं रह पाता, वो बैराग बनना चाहिए संसार मेरे को, मेरे की बात कर रहा हूँ मैं, ये मतलब दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में झंझोर दिया महाराज जी ने आज। सही बात है महाराज जी, बैराग जय जय सावित्र भैया जी। जैसा कि अभी आपने चर्चा में बताया कि पांडव का पूर्व कर्म का उदय, तो अपन इसमें कैसे निर्णय करें वर्तमान परिस्थिति में कि ये पूर्व कर्म का उदय है या हमारे पुरुषार्थ की कमी है? परमानेंट जुआ खेलते रहे थे जी, कर्म का उदय कितनी देर के लिए नहीं, अपन जैसे परिस्थितियां बनती हैं तो अपन इसको पूर्व कर्म का उदय माने के वर्तमान पुरुषार्थ की कमी माने। देखो भैया, जीव को वर्तमान पुरुषार्थ की कमी तो जब तक दिखेगी जब तक साधु नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वर्तमान में जब तक जीव साधु नहीं होता या फिर अर्जी का व्रत धारण नहीं करता तब तक जीव को पुरुषार्थ की कमी कहीं ना कहीं तो दिखेगी। ऐसा नहीं होता कि पुरुषार्थ की कमी ना दिखे, ये भाव तो आएगा ही कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है, अपना प्रसाद जगाओ, ये बात तो है, पहली बात तो प्रसाद की कमी दिखेगी। हाँ, लेकिन अब आपने ये पूछा कि हम कैसे माने कि हमारा कर्म का उदय चल रहा है, हमें रुचि है या हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। तो अब भैया यदि आप इसमें भेद करना चाहते हो कि हमारे कर्म का उदय है या हमारी रुचि है, तो पहले आप ये बताओ भगवान आत्मा कि आपको जो वर्तमान परिणाम चल रहा है, यदि आप उसमें डूबे हुए हो तो आपका कर्म का उदय नहीं है, कर्म के उदय का तो निमित्त है, लेकिन अज्ञान मानता होने के कारण से आपको उससे यदि भिन्नता नहीं है, उससे विरक्ति का भाव नहीं आ रहा, वो परिणमन होने के बाद आपको वैराग्य की चिंता नहीं हो रही, उसके फल का विचार नहीं हो रहा, प्राश्चित नहीं हो रहा, आपकी चेतना पूर्ण रूप से मूर्छित पड़ी हुई है, आपके अंदर में जागृति नहीं आ रही, यदि ये सारे लक्षण आप में को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कर्म का उदय नहीं है, वो आपकी रुचि है। और यदि ये आपकी रुचि है, यदि ऐसी आपकी रुचि है तो अर्घ भूले नग थी पड़े अपन रोज देख रहे हैं, और यदि ऐसे राग भाव की आसक्ति है, वर्तमान परिणाम चल रहा है, वर्तमान संयोग में ऐसी दशा चल रही है भगवान जी, और यदि वहां से निकलने की छटपटाहट है, अब जैसे भाई जी ने कहा महाराज जी ने आसाई महाराज ने पंच परावर्तन का जो विषय दिया वो माता पिता पुत्र परिवार सबको डेफिनेशन जो उन्होंने बताई इतनी भयानक थी कि सुनने वाला कांप जाए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान जी कि जीव यदि तत्व का श्रद्धान करके बैठा है तो ऐसा नहीं कि इसके परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन भगवान जी परिणाम बिगड़ने के बाद लौट के कितनी जल्दी अपने घर आते, दुनिया में घूम के आने के बाद लौट के कितनी जल्दी घर आता है, और हम यहाँ थोड़ा संधि दे रहे हैं वर्तमान भूमिका के अनुसार कि संस्कार तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि एक दिन में संस्कार टूट जाए तो नहीं छूटेंगे, वह डरने वाला काम नहीं है भैया, कर्म धारा की चलती हुई जो अवस्था है वहाँ डरने का, भयभीत होने का या आकुलित होने का काम नहीं है, फिर कर्म धारा की चलती हुई अवस्था में अपने तत्व का पुरुषार्थ कैसे जगा सकते हो, कैसे निमित्त से जगा सकते हो, कैसे अपने कल्याण का मार्ग बना सकते हो, आपको अपने अंतर की जागृति का उपाय पहले करना, और जब अंतर की जागृति का उपाय होगा ना तब संस्कार बदलने का काम होगा, और बदलेंगे नहीं, संस्कार टूटने चाहिए, पाप से हटके पुण्य संस्कारों में लग जा, शुभ भाव में लग जा, तो कोई कार्यकारी विशेष नहीं है,
हाँ, लेकिन पाप की रुचि तोड़ के आत्मा की रुचि बना जगा के और फिर शुभ संस्कारों का परिणमन हो तो अच्छी बात है। परिणमन होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए। पाप कर, पाप का कर्तव्य छोड़ के अर्थात पाप में कर्ता की मानता छोड़ के यदि पुण्य में कर्ता पाने की मानता ले आओ तो क्या काम है। चलिए बताओ, यदि पाप में कर्ता पाने की मान्यता छोड़ के यदि पुण्य में कर्ता पाने की मानता लिया तो क्या होगा। अच्छा एक बार बताओ, नर्क नहीं जाना ऐसा निर्णय करके यदि स्वर्ग जाने की इच्छा लिया तो क्या फायदा। हमें दोनों प्रश्न का जवाब चाहिए। पाप में नहीं करता यदि ऐसी मानता ठीक है, या लेकिन यदि ये सवाल हो कि पाप मुझे नहीं करना, कर्ता की मानता पाप नहीं करना और मैं पुण्य करता हूँ तो पुण्य करने की मानता करके स्वर्ग चले जाता क्या फायदा। तो बस बात तो सीधी क्या हुई ना, बात तो क्या हुई ना, हमें अशुभ भाव अशुभ भाव से कोई दिक्कत है ना हमें शुभ भाव से कोई दिक्कत। दिक्कत तो काय से है, दिक्कत तो हमें कर्तत्व बुद्धि से है। और जब जीव की कर्तत्व बुद्धि अंदर से टूटती है तो फिर अशुभ अपने आप जाता है अपने संस्कार के अनुसार। और जैसे जैसे अंतर का प्रसाद चलता है, जैसे जैसे स्वभाव की स्वीकारता होती है, जैसे जैसे तत्व का निर्णय होता है, जैसे जैसे भगवान की वाणी को ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे अपने आप ही पाप भाव अशुभ भाव बिलाते। देखो भैया, आचार्यों ने कहीं जगह पाप को अधर्म का मूल कहा। अरे पूरे जिनागम में पाप को अधर्म का मूल कहा। तो पांच अणुव्रत लेते हैं कि नहीं लेते, तो क्या करते हैं। एक देश पाप का त्याग, और पांच महाव्रत लेते हैं तो क्या करते हैं। सर्व देश पाप का त्याग। तो इस संसार में पाप के त्याग का नाम एक धर्म कहा है कि नहीं कहा। जल्दी बताओ, हाँ आप बोले आप सही बात। भैया इस संसार में पाप के नाम त्याग का नाम धर्म कहा है, लेकिन पाप का त्याग कैसे। अनंतन बंदी प्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षावरण एक मिथ्या और कसाय के अर्थात मोह के त्याग पूर्वक पाप का त्याग होता। भाई अंतर से मोह का त्याग नहीं हो तो फिर पाप का त्याग कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी इसलिए जगा रहे हैं कि अर्घ भूले नर थड़ी बढ़े। तुम्हारे बाहर के कार्यक्रम को नहीं देखा जाए, तुम्हें अंतर की परिणति को पहले देखा जाएगा कि तुम्हें कितनी शुद्धात्मा की लगन है, कितनी जितनी तुम बाहर में क्रियाएं कर रहे हो, जितनी तुम बाहर में सहयोगी भूमिका में अपनी पुण्य की क्रियाएं कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, पाप से हट रहा हो या पुण्य की क्रिया कर रहा हो, तो आपको ये अपने अंतरात्मा का कितना बोध है। यह स्वर्ग जाने के लिए कर रहा हो, लोग तो नियम करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, काहे के लिए करते हैं। अंदर नहीं जाना। भैया जी जय दानधन जय सुद्धात्म। मतलब हम पाप की भूमिका छूट के पुण्य की भूमिका में तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ सम्यक जरूरी है, सम्यक विचारधारा, सम्यक सोच, ये जरूरी है जी। ज्ञान पहले जरूरी है, पुण्य सुख में रहना बाद में जरूरी है। अब यहाँ कोई हमसे कहेगा भैया जब तक पुण्य में रहते हैं सॉरी जब तक पाप में रहते हैं तब तक तो हमें भेद ज्ञान होता ही नहीं, अशुभ की रुचि। ये देखो, अशुभ की यदि किसी को रुचि होगी, सावधान, यदि किसी को अशुभ की रुचि होगी तो वो उस अशुभ में भेद ज्ञान को भूला जाएगा, और यदि अशुभ का उदय होगा तो भेद ज्ञान साथ में होगा और अशुभ परिणाम चलता हुआ रहेगा। इतना संतर आई कि नहीं है स्वामी ऊपर से गई। यदि किसी को अशुभ की रुचि होगी, पाप की रुचि होगी, तो वो पाप में डूबा रहेगा, यही सब पहले कहा है। और यदि किसी को पाप की रुचि नहीं है, उदय जन्म है, संस्कार टूट नहीं रहा है, संस्कार तोड़ नहीं पा रहा, चाह तो रहा है कि वैरागी हो जाए, चाह तो रहा है कि सदाचार में जीवन जिए, चाह तो रहा है कि अपनी भूमिका अनुसार प्रसाद करें, लेकिन चारित्र मोह की धारा राग का परिणाम पेर रहा है, राग का परिणाम छिपेर रहा, वैराग आ नहीं रहा। यही दशा ना अपनी वर्तमान, वैराग नाम की चीज नहीं आ रही है। तो वही तो कह रहा है, वैराग नाम की चीज नहीं आ रही। तो भगवान जी कोई बात नहीं, वैराग अभी
जैसा आना चाहिए बाहर वैसा मेरा नहीं आ रहा, तो भगवान आत्मा पहले तुम ये बताओ ज्ञान पूर्वक मेरा गाता, पहले तो तुम ये बताओ मैं गायक आत्मा हूँ, इतना बोध कितना है, ये जो परपर्याय चल रही है इससे मैं आत्मा भिन्न हूँ, इतनी प्रतीति कितनी है, इस शब्द की प्रतीति कितनी है, क्योंकि बिना श्रद्धान के ज्ञान नहीं होगा, तो बिना ज्ञान के वैराग नहीं होगा। भाई मरघटिया वैराग होना चाहिए, शमशान में गए तो वैराग, अभी महाराज जी ने पंच परावर्तन की चर्चा करी तो वैराग, अंत चोट लगी, लेकिन भगवान जी तत्व की कितनी श्रद्धा है, और ये तत्व की श्रद्धा सहित चोट लगी है तो उपयोग स्वभाव की ओर पलटेगा, और तत्व की श्रद्धा सहित चोट नहीं लगी तो क्रिया को पलटने का विचार करेगा, हम ऐसी क्रिया बदल देंगे, हम ऐसी दिनचर्या बदल देंगे, बदलो क्रिया भी बदलो दिनचर्या भी बदलो, उसकी मनाई नहीं है, लेकिन स्वभाव का लक्ष्य पूर्वक बदलो, ये स्वभाव को भूल के करोगे तो तारण स्वामी के पास स्थान नहीं है, तारण स्वामी दर्शन ज्ञान चाहे सब नीच कह देंगे, एक तरफ से संयम नीच, तप नीच, बल नीच, वीर नीच, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जब स्थान में जो आपको बहुत अंतर तक हिला कर रखते हैं, लेकिन कब 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 अर्क चाहिए, नहीं तो नर्क। तारण स्वामी के इस ग्रंथ की शुरुआत अर्क से है, और जहां वो अर्क स्वरूप अपने अंतर में जगमगा रहा है वहां किसी बात की सहज चिंता नहीं, लेकिन फिर भी पक्ष तो स्वरूप की साधना का ही रखना है, पाप का कभी नहीं रखना, पाप का पक्ष मतलब संसार का पक्ष, इसलिए अपने क्या करना भगवान जी, हर हाल में उपयोग तो बदलना है, लेकिन उपयोग बदलाएगा स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, बस वो तीन संन्यास मान लो निदान नहीं करे, लेकिन पुण्य का निदान करे तो पुण्य का निदान भी करो तो ऐसा निदान करो, मैं ऐसा करूं पुण्य का निदान करो भी तो ऐसा पुण्य का निदान करो कि जिन वाणी की शरण मिली पर मनी रहे, भगवान के समोषण दिग्ध्वनि सुनने मिले, दिग्ध्वनि सुनने मिले, आप अरिहंत दशा प्रकट हो, सिद्ध दशा प्रकट हो, अरे यदि पुण्य भाव से वंचित नहीं रह पा रहा है तो ये भी सब भाव है कि समस्त के सब जीवों का कल्याण हो, सब जनवाणी को सुने, जरूरी थोड़ी ना कि पुण्य के भाव, अरे मैं नियम कर लूँ तो मैं व्रत कर लूँ तो मैं स्वर्ग चला जाऊँगा, ये पुण्य थोड़ी ना, पुण्य तो परिणामों की विशुद्धि है ना, तो वही तो हम कह रहे हैं भैया सब जगत के समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाव गए, अरे तो तीर्थंकर प्रकृति ऐसे पुण्य बन जाएंगे, पंचम काल में और मिथ्या दृष्टि को नहीं बनते वो बात अलग है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अरे भावना से तो अति से पुण्य बनता है, स्वभाव की भावना वीतराग धर्म की प्रभावना का लक्ष्य लेके आओ तो छोटे मोटे पाप तो कहीं भी चले जाएंगे, भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान और वस्तु स्वरूप की स्वीकारता तो लेके आओ तो काम बनेगा, उन्हें तो भगवान आत्मा पड़े पड़े रटे रटे से कुछ होने वाला। तो आज हमने कहा का विषय छेड़ लिया, वैसे महाराज जी बहुत सुना चुके हैं विषय पे, हम चले अपने आगे की ओर, कहाँ चलना अपने को, पेज नंबर 134 कहाँ तक आगे अपन, हितकार ज्ञान, अनमोल ज्ञान, दृष्टि ज्ञान, इष्टि ज्ञान, दृष्टि ज्ञान, दृष्ट ज्ञान, सम इष्ट ज्ञान, ये सब दृष्टि है भैया, इन 14 दृष्टियों का चार्ट हम कल खुलवाएंगे, कल आरजी दीदी को भेज देंगे, तो कल वो 14 दृष्टियों का चार्ट खोलेंगे तो उनका वांछन करेंगे अपन कि दृष्टि कैसी कैसी है, कौन सी दृष्टि का क्या काम है, आज इस विषय को फिलहाल गौण कर रहे हैं, सहकार दृष्टि ज्ञान, अवकाश दृष्टि ज्ञान, अनंत दृष्टि ज्ञान, अनमोल दृष्टि ज्ञान, कम विली तम मुक्ति, तारण स्वामी का कहना सार रूप बता दे रहे हैं कि जीवात्मा इन 14 दृष्टि के माध्यम से उत्पन्न दृष्टि ज्ञान अपने ज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न करता, सहकार दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग ज्ञायक स्वभाव का सहकार करो, इस वीतराग दृष्टि के माध्यम से अपने स्वभाव में ही अवकाश ठहरो, विश्राम करो, छुट्टी लो संसार से, अरे अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव ही इष्ट है, इसका आश्रय लो, अनमोद इष्ट ज्ञान, अरे अपने ज्ञान स्वभाव की प्रियता से अनमोद न करो, अपने स्वभाव को प्रिय जानो, कम विलम तम मुक्ति, तो क्या होगा, सारे कर्म मिला जाएंगे और तुम मुक्ति की प्राप्ति।
ऐसा कारण समय कहना। देखो ये किसकी चर्चा चल रही थी, यदि कोई जीव दूसरे नरक से निकलता है तो उसकी चर्चा चल रही थी। यदि कोई जीव दूसरे नरक से निकलता है और वो साधु पद को धारण करता है, अपने तारण तरण हितमित स्वभाव को देखता है, स्वरूप में रंजायमान होता है, ज्ञान विज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए क्या करता है भैया, अपनी इष्ट दृष्टि से, अपनी इष्ट दृष्टि से अपने स्वभाव का सहकार करता है, अपने स्वभाव में अवकाश करता है, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय लेके इस ज्ञान स्वभाव में ही ठहरता है, तो क्या होता है, उस जीव के सारे कर्म विनष्ट जाते हैं और तब मुक्ति और वो मुक्ति को प्राप्त कर। अपना क्या विचार है, जल्दी बताओ, अगले पैराग्राफ पे चले अपन, अपना क्या विचार है। तारण स्वामी का तो यही विचार है कि जीवात्मा ऐसे ज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना करोगे तो तब मुक्ति, तो मुक्ति को पा जाओगे, और यदि अपने ज्ञान में स्वभाव की साधना नहीं करोगे तो अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। अब अपना अपने को अपना निर्णय करना है कि अपने को ऐसे ज्ञान में स्वभाव की साधना करना है या इन अज्ञान भाव में रख के अपनी आत्मा को दुर्गति मिले। अच्छा बहुत बढ़िया विषय आ रहा है, इष्ट ज्ञान सत्य सर ज्ञान। तारण स्वामी सरोवर की चर्चा कर रहे हैं, सर मतलब सरोवर, कौन सा सरोवर, इष्ट प्रिय ज्ञान सरोवर की चर्चा कर रहे हैं। देखो भैया आपने पंडित पूजा में सुना था ज्ञाना माचनान पंडिता, लेकिन वहां सरोवर के नाम नहीं थे, वहां सार में कहा था तारण स्वामी ने कि ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान पंडित क्या करता है, ज्ञान में सरोवर में स्नान। ऐसा सुना था कि नहीं सुना था, पंडित पूजा जी ने सुना था कि नहीं सुना था, क्या करता ज्ञानी, ज्ञान में सरोवर में स्नान करता, प्रक्षाल ज्ञान में सरोवर में स्नान करके उस सारे कर्मों का प्रक्षालन कर देता, ये महा सुना था ना। अब यहाँ उसको विस्तार से बता रहे, क्या कह रहे हैं, इष्ट ज्ञान, ज्ञान की परिणति ही इष्ट है, ज्ञान में आत्मा की दृष्टि ही इष्ट है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की साधना के लिए तारण स्वामी कह रहे हैं कि अपने ज्ञायक ज्ञान में सरोवर को देखो। तारण स्वामी कैसा है क्या है ज्ञान में सरोवर, वैसे सात 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 सरोवर की चर्चा तारण स्वामी के ग्रंथों में दिखती है, लेकिन यहाँ तीन का नाम दिया फिलहाल वर्तमान में, क्या लिखा है, सब्द सर ज्ञान, कौन सा सरोवर भैया, शब्द सरोवर, ज्ञान में शब्द सरोवर। अब देखो तारण स्वामी ये ज्ञान में शब्द सरोवर क्या है बता, बल्कि शब्द सर क्या है, शब्द सरोवर क्या है, शब्द सरोवर, अरे ये जिनेंद्र भगवान की ये अमृत में जो दिव्यमणि है, ये भगवान के जिनवाणी के शब्द है, ये शब्द सरोवर है, इसमें डुबकी लगा तो अनुभूति का लाभ होगा। सही है भाई, पाप के भाव, विषय के भाव, विकथा, पेपर, मैगजीन, उपन्यास, टीवी, मोबाइल, इनमें अपना भेजा मत लगा, ये भगवान की अमृत में दिव्यमणि, ये वीतरागी भगवंतों में ये शब्द जो दिव्यमणि में फिर रहा है, जो अपने अंतर आत्मा बोध कराने वाले, ये ज्ञान में शब्द सरोवर है, इस सरोवर में डूबो तो मुक्ति को प्राप्त करो। कहाँ डूब रहा है, पाप में, विषय में, कसाय में, भोग में, दुनियादारी के विकल्प में, ये भगवान की अमृत वाणी का ये ज्ञान सरोवर, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न कराने वाली शक्ति, ये ज्ञान में सरोवर नहीं दिख रहा क्या अपने को, सब्द सर है कि नहीं अपने पास, भगवान के 14 ग्रंथ 14 सरोवर तो अपने पास है, इन सरोवर में, इन शब्द सरोवर में डूबो। भैया दूसरा कौन सा लिखा है यहाँ, शब्द सर ज्ञान, अशब्द सर ज्ञान, दूसरा सरोवर है, दूसरा ज्ञान में सरोवर है अशब्द सरोवर, क्या करना है। अरे आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं शब्द सरोवर को पहले का अपने अशब्द सरोवर, अरे क्या भगवान की इस वाणी को सुन तो लिया है,
इसे समझ तो लिया है, इसे बुद्धि का विषय मत बनाओ, तो फिर क्या अशक्त सरोवर इन शब्दों से भी पार होके अपने अतीन्द्रिय अलौकिक जो अपनी अंतर में आत्मा है इस अतीन्द्रिय आनंद में डूबो, अतीन्द्रिय आत्मा का विलास करो। भैया इन शब्दों से परे होके अपने अतीन्द्रिय आत्मा का विलास करना अशब्द सरोवर, बढ़िया निर्विकल्प आनंद में सुख पूर्वक निश्चिंतता से अपने अशब्द स्वभाव में डूबो। दो सरोवर होते हैं, एक शब्द सरोवर। भैया जब उपयोग अंतर ना जाए तो जिन भगवान की वाणी का आश्रय लेके अपने उपयोग को सन्मुख करने के लिए भगवान के वचनों में डूबो, भगवान की वाणी को सामने रख के, भगवान के अमृत वचनों को सामने रख के इस जिन वाणी का अमृत स्नान करो, है कि नहीं? ज्ञानमय स्नान पंडिता की बात है कि नहीं है? जब तक उपयोग अंतरोन्मुख नहीं हो रहा तब तक इस जिनवाणी के ज्ञान में सरोवर में डूबो। और तारण स्वामी कह रहा है अब जब ज्ञान में सरोवर को जान ही लिया है तो अशब्द सत्, अरे इन शब्दों से ही परे होके क्या करो अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव को अशब्द अशब्द सत कहते हैं, इंद्रियों से पार, जहाँ मनन करते करते चिंतन करते करते भगवान की वाणी सुनते सुनते जहाँ अंतर में लगन लगी वह अशब्द सत, मन और इंद्रियों से पार। अभी मन और इंद्रियों से ज्ञान में डूबो, सम्य ज्ञान का उदय करो, वस्तु सर्वों का निर्णय करो, तत्व की लगन लगा तो शब्द सरोवर। और जहाँ मन वचन काय की एकाग्रता हो जाए, जहाँ मन और इंद्रियों से मन हट जाए, ये बात समझ में नहीं आया क्या करो शब्द और अशब्द सरोवर क्या है? शब्द सरोवर क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षर स्वर वाणी, अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ, तो लेते अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ से जो जनवाणी गुथी हुई है इस जनवाणी का सम्यक चिंतन करो, सम्यक मनन करो और इसमें जो तत्व का श्रद्धान है, जो तत्व का ज्ञान है, जो तत्व की चर्चा है उसे स्वीकार करो, इस शब्द सरोवर कि भगवान की वाणी का अनुभव कर लिया शब्द सरोवर। अब जिसको स्वीकार करा है, जिसका चिंतन करा है, जिसका मनन करा है, चिंतन करते करते मनन करते करते उपयोग इन शब्दों से हटा और अशब्द, अशब्द मतलब जहां शब्द का अवलंबन भी छूट जाए, ऐसे अशब्द अपने ज्ञान में भाव में डूब जा, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव कर लो, तो ये आत्मा अशब्द सरोवर। दो मिल गए कि नहीं मिले? अरे दो सरोवर मिल गए कि नहीं मिल गए? अब तीसरा रह गया, दो सरोवर हुए अभी, चलिए बता दो मिले कि नहीं मिले? एक शब्द मिल गया, शब्द तो अपने पास हमेशा ही है, अपन चाहे तो इस भगवान की वाणी का बस अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से जनवाणी गुथी गई है, उसका निर्णय करना, चिंतन करना, मनन करना, आराधन करना उसकी, हाँ शब्द सार, ये वाणी नहीं शब्द सार, इसका चिंतन मनन आराधन निर्णय ये शब्द सार। हाँ, और इसको स्वीकार करते करते जब इन शब्दों से भी चिंतन से भी पार कर जा, आनंद की दशा में पहुंच जा, तो अनुभव में पहुंच जा, तो उसका नाम है अशब्द सार। दो मिल गए? दो मिले कि नहीं मिले? अभी तीसरा बाकी है। अब देखो तीसरा कौन सा भैया? गुप्त सर न्याय प्रकट सर। अब देखो अब भैया सबसे गहरा सर कौन सा? गुप्त सर। अभी साधु दशा मिलेगा आपको, अरे सात है अभी तीन ही है, तो ये आपको साधु दशा मिलेगा। अभी क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा अपने शुद्ध उपयोग रूप अपनी निर्विकल सहानुभूति में डूब जा, गुप्त स्वभाव के अनुभव में मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति सहे आनंदित होना गुप्त सहाय। देखो भगवान आत्मा बाहर कहीं कुछ नहीं मान रहे हो तो भगवान की बात स्वीकार न करो, देख रहे हो जब सान रहे हो समझ रहे हो कि बाहर कोई नहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर बाहर उपयोग लगा क्यों रहा? हाँ स्वानुभूति में गुप्त सा, बिल्कुल मन वचन काय से बिल्कुल हटके स्वानुभूति की अनंत शक्ति में अपनी चैतन्य धारा में लीन हो जाओ भगवान जी, गुप्त
स्वभाव की अनुभूति में लीन होना गुप्त साइड। सब छोड़ दो, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति साइड, चले जाओ अंतर आत्मा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये तीनों सरोवर में रमण करना इष्ट है। कभी शब्द सरोवर में करो, कभी अशब्द में करो, और कभी गुप्त अपने अंतर आत्म सरोवर में डूब जाओ। इन तीन सरोवर में स्नान करो, ये इष्ट है। ज्ञानम स्नान पंडिता, इन तीन सरोवर में स्नान करो तो ये इष्ट है। इन सरोवर में स्नान करोगे तो पिक्षालितम असंभावना, पिक्षालितम कर्म दुष्टम च, पिक्षालितम मनम चंद्रम है कि नहीं गाथा पंडित पूजा जी की। यदि इन तीन सरोवर में ज्ञान में स्नान करोगे तो पिक्षालितम सारे विकार भाव का भाग्य अभाग्य सब कर्मों का पिक्षालन हो जाए। और भगवान आत्मा, यदि इन सरोवर में स्नान नहीं करोगे तो क्या हो? रोज साबुन सोडा से घिस घिस के यदि अच्छे से इस देह को संका चमका के नहा धो के बढ़िया फ्रेश होकर निकलोगे तो क्या मिलेगा? बढ़िया सफेद कपड़े चकमकाते। कौन सा सरोवर? भैया जी इसमें अनुभव और स्वानुभव दोनों में क्या डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ शब्द सरोवर में, पहले शब्द सरोवर में तत्व के प्रयोजन पूर्वक तत्व की स्वीकारता है, अशब्द सरोवर में निर्णय के साथ आनंद अनुभव अनुभूति है, और यहाँ गुप्त सरोवर में डुबकी लीनता निर्विकल दशा। तो आनंद अनुभूति का मतलब फिर चिंतन बनन से लेंगे? जो चिंतन, चिंतन तो शब्द सरोवर है, चिंतन मनन के साथ चिंतवन, चित्तवन होता है, चित्तवन जो आनंद अंतर से उठता है, जो शब्दों से भी पार एक प्रसन्नता और एक आनंद की अनुभूति होती है। चिंतन तो वहां रहता है लेकिन चिंतन का महत्व नहीं रहता। देखो शब्द सरोवर में क्या है, चिंतन पूर्वक तत्व का गहरा निर्णय है। शब्द सरोवर क्या है भैया, कि जिनवाणी के जो अक्षर स्वर व्यंजन है उससे अभिप्राय का पोषण है, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। अशब्द सरोवर में शब्दों के, शब्द के रूप उपयोग तो चल रहा है लेकिन जीव अनुभव काय का कर रहा है, अशब्द आत्मा अनुभव शब्दों का नहीं होता। प्रथम भूमिका में शब्दों से ही वेदन होता है। जैसे हम कितने बार बताइए बात, आप माँ बोलो तो माँ की अनुभूति होती कि नहीं होती? जब अपन माँ बोलो तो माँ की अनुभूति होती कि नहीं होती? भाई बोलो भाई की अनुभूति होती कि नहीं होती? ऐसे जनवाणी में शब्द सरोवर में जब आत्मा परमात्मा सुनता है जी, तो उसे ऐसा लगता है कि लगता है हाँ मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, शब्द सरोवर। और अब कोई माँ हो, जैसे अपने अपने अंदर माँ हो, तो उसे ममता का जो वेदन है, अनुभव है, माँ कहते समय भी है और माँ कहते 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 यदि माँ नहीं भी कहे तो उसका पुत्र सामने दिखे तो भी है कि नहीं? माँ को जो भैया बेटा 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 कह रही, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह रही है, उस समय भी उसको अंतर में, अब देखो उदाहरण एक दस घटा ना, आप कहो माँ को तो हर समय देता है समझाने के लिए, तो उस समय में उसे ममत्व का जो वेदन हो रहा है, शब्द कहते कहते जो ममत्व का वेदन है, आनंद बढ़ गया, बच्चों को खिलाने में आनंद बढ़ गया, आनंद अनुभूति बढ़ गई, आनंद का भाव बढ़ गया, ये हो गया अशब्द सरोवर। और भैया अब खिलाना भी छोड़ गया और कहना भी छोड़ गया, अब तो उस मैं हो गए, अंतर पड़ गई, उसकी सुरत नहीं बनी हुई, उसके उसमें खो गए, उसकी उसकी दशा में ही खो गए, अब कोई विकल्प बनाने की चीज नहीं है। अब उदाहरण से ऐसे समझाना पड़ेगा भैया, अर्थात बढ़ती हुई गहरी दशा का नाम है इसके आगे अभी और आएंगे। तो क्या कहते हैं, ऐसी बढ़ती हुई आनंद की दशा का नाम है ये सरोवर। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे समझेंगे? अभी सर्वक नहीं हुआ, अभी सर्वक तक ले जाएंगे करण स्वामी, अभी श्रेणी आरोहण करवाएंगे, उसे केवल जैसा आनंद देंगे, अभी बहुत आनंद, इन सर की चर्चा बहुत गहरी है, बस आगे आएंगे पूरे, यहाँ साथ के साथ की चर्चा आएगी। अपने को क्या समझना है, अपनी भूमिका में कौन सा प्रकट हो सकता है, शब्द और अशब्द तो हो ही सकता है, निर्विकल अनुभूति के कारण गुप्त सर भी हो जाएगा, जितनी देर के लिए मन वचन का अनुभूति होगी,
यहाँ दानव स्वामी जी कह रहे हैं कि इन सरोवर में अंतर स्नान करो भगवान। कैसे करें भगवान जी? पहले तो तुम्हें बता, तुम्हें ईष्ट क्या है? ईष्ट पहले तो ईष्ट ने आज पहले तुम बता, तुम्हें ज्ञान में प्रणति ईष्ट है या अज्ञान में कर्तव्य भाव ईष्ट? ज्ञान में आत्मा मेरी अलग है और ईष्ट अलग है, तो वो तो निर्णय है। ईष्ट मतलब तुम्हें प्रिय क्या है, तुम्हारी रुचि में क्या है? तुम्हारी रुचि में अपना गायक तत्व परमात्मा है, अपनी गायक आत्मा है, या तुम्हारी रुचि में संसार की होने वाली क्रिया है, संसार का होने वाला परिणाम? रुचि बता, निर्णय नहीं चाहिए। रुचि में बताओ, निर्णय में नहीं चाहिए। निर्णय तो अपन रोज बैठ के यहाँ कर रहा है कि मैं गायक हूँ, 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 लेकिन आधे घंटे समय को मन लग जाए तो फिर मान गायक। आधे घंटे समय में मन लग जाए, चित्त लग जाए आत्मा के आनंद में, अशब्द सरोवर में। अरे अशब्द में तो छोड़ो, जनवाणी के चिंतन में बड़ी एक घंटे चित्त एकाग्र हो जाए तो माने कि शब्द सरोवर। बढ़िया, जनवाणी का चिंतन चल रहा हो, जनाधन मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अर्घ भूले नर खड़ी पड़े, ऐसा अंतर में जनाधन आत्म तत्व का चिंतन चल रहा हो और आपको कोई दूसरा विकल्प ना सता है, बड़े उस चिंतन में इतना रस आए, इतना रस आए, इतना रस आए कि आप भूल जाओ बाकी सब भी कथाओं को, घर की चिंता को, दुकान की चिंता को, मकान की चिंता को, पुत्र परिवार की चिंता को, तो सब तो सरोवर। शब्दों में आनंद आ रहा है, भगवान की वाणी की चिंतन करने में अलौकिक अद्भुत आनंद आ रहा है। ये भी अतीन्द्रिय आनंद जैसा है, मतलब संसारियों की अपेक्षा से, विषय भोगों से हटने की अपेक्षा से। भैया अब ये शब्द सरोवर हो गया। अरे भैया और शब्द उन उस जिनवाणी का चिंतन करते 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 चिंतन होने लगा, चिंतन से जब थोड़ा और ऊपर गए, आनंद की अनुभूति बढ़ी, तो भैया अशब्द सरोवर हो गया। अब तो वो चिंतन है, चिंतन भी भिन्न दिखाई दे रहा है, आत्मा अलग दिखाई दे रही है। और भैया और यदि और डूबी गए, लग गए डुबकी, तो आ गया गुप्त सरोवर। अब न मन का पता, ना वचन का पता, ना कहेगा पता, चिंतन भी खत्म और सब खत्म। तो यहाँ तो तारण स्वामी गहरे में और गहरा, गहरे में और गहरा ले जा रहा है, लेकिन तुम तो ये बताओ ईष्ट में है, तुम्हें ज्ञान प्रिय है, सम्यक ज्ञान प्रिय है कि नहीं? प्रिय हो तो इस सरोवर प्रकट नहीं हो जाते एकांश में? तो यही तो कह रहा है, यदि हाँ सब सरोवर में कर रहा है, कितनी देर, कितनी देर निर्णय हो गया, भगवान की वाणी को सुनकर निर्णय हो गया, ये बात तो बढ़िया है। उसमें स्नान कितनी देर कर रहा है? जितनी देर अपन एक घंटे चर्चा सुन रहा है, उपचार से निश्चय से नहीं, उपचार से यदि माने कि अपने को तत्व चर्चा की रुचि, उपचार से करें, द्रव सुख के उपचार से। यदि अपन एक घंटे जनवाणी का स्नान कर रहे हैं तो ये सब सरोवर है, लेकिन जो स्नान कर रहा है उनके लिए, हाँ जिनको ये जनवाणी सुनते सुनते आनंद अनुभूति हो रही है, उनका सब सरोवर है, और कोई विकल्प भी नहीं है। जनवाणी के इस मर्म में आनंद की अनुभूति कर रहा है, और कोई विकल्प नहीं है। क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, आचरण होगा कि नहीं होगा, सारे विकल्प को छोड़ के एक आनंद आ रहा है कि भगवान की अनुभूति ग्रहण में, तो सब सरोवर है। उपचार से काम नहीं, अपन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, भूपित सर नयान में ना रह पाए, अशब्द सर नयान में ना रह पाए, शब्द सर नयान का अवलंबन करें। सही बात, नहीं तो उन्होंने नास्ति से कहा है कि तुम गुप्त सर को प्रकट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, अशब्द सर को प्रकट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, शब्द सर में रहो तो फिर अशब्द सर गुप्त सर उत्पन्न हो गई होगा। रास्ते से मार तो बनाओ, शुरू तो करो, शुरू तो करो। अरे फिर तो जनवाण हो जाए, अपन लोगों ने एक गलत धारणा बना रखी है, एक गलत धारणा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष हो,
ऐसा थोड़े कोई श्रद्धा नहीं। 48 मिनट में ही बाढ़ स्थान में कोई जाके अंतर लघु अंतर मुहूर्त में यदि कोई पूरे भारतीय कर्म अच्छे कर एंड है अपन ने ऐसा मान लिया 48 मिनट यदि कोई अधिकतम ठहर जाए तो उसका निर्माण पक्का है। लेकिन भैया हम तो एक दो चार पाँच दस समय में चले जाए तो एक दो मिनट में चले जाए उस हाई लेवल पर पहुंच सकता है। हाँ अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट काल है। आगे सर आए तो चर्चा आएगी जब पता है अभी यहाँ नहीं है तो ठीक है। तो अभी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है तीन सरों की। निर्वाण तो जब ही हुआ केवल ज्ञान जब ही हुआ जब 48 मिनट पार करेंगे। कौन ने कहा बाढ़ स्थान की जो लघु अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त मध्यम अंतर मुहूर्त तीनों में हो सकता है कम में हो सकता है निर्वाण। हाँ अरे उत्पाद में कम में हो सकता है जिनवाण जब जीव उपशम श्रेणी से तो होता नहीं जब जीव छायिक श्रेणी में सातवें से भाग से आरोहण करता है तो नौवें गुण स्थान में दसवें गुण स्थान में और दसवें गुण स्थान के बाद बारहवें गुण स्थान में बारहवें गुण स्थान में जाके क्या करता है वो अरे बारहवें गुण स्थान में तो दसवें में हो गया कब काम उसका बारहवें गुण स्थान में क्या करता है बारहवें गुण स्थान में तीन घातीय कर्म बचते हैं उसके साथ तीन घातीय कर्म कौन कौन से दक्षिणावरण ज्ञानावरण और इन तीन घातीय कर्मों को छह करने में जितना समय लग जाए किसी को पूरे 48 मिनट लग जाए और किसी को पूरे 48 मिनट से कम में भी तीन छह कर दे तो उसका भैया देर का मुस्ता होना ही होना। माँ तो तीन घातीय कर्मों को छह करने की अपेक्षा है जो आप बारहवें गुण स्थान से अब लोग लगा अब सातवें से चढ़ा उससे लगाओगे तो मत लगा आप बारहवें गुण स्थान में जो जीव पहुंचा तो वहां कितनी देर लगेगी उसे तीन घाटे कर्म छह करने किसी को अंतर मुहूर्त भी लग जाएगा और किसी को अंतर मुहूर्त से कम समय भी होगा। तो अपन यहाँ ये देख रहे हैं उच्चतम बताई उच्चतम अधिकतम उत्कृष्ट उत्कृष्टम। तो अपन क्या कह रहे हैं अपना काम क्या भैया अपना काम ये है कि जीवात्मा अपने स्वभाव की स्वीकारता झटपट करो। और तारण समिति कह रहा है इन सरोवर में स्नान करने से मुक्ति मिलेगी। अब भैया कहाँ से लाए तारण समिति सरोवर कहाँ से लाए तो, अच्छा बताओ सरोवर होगा तो कमल होंगे कि नहीं होंगे सरोवर होगा तो कमल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे सरोवर में कमल खिलते कि नहीं खिलते। यदि सरोवर होगा तो कमल खिलेंगे कि नहीं नहीं खिलेंगे खिलेंगे सरोवर होगा तो कमल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे। अरे अपन कर्णानी का विषय पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कि भैया इन सरोवर या इन सरोवर में एक 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 योजन के बड़े बड़े विस्तार वाले कमल हैं और असंग असंग कमल हैं बड़े बड़े विस्तार वाले और आगे के सरोवर दुगने दुगने विस्तार वाले। तो अपन जब कर्णानी युग का विषय पढ़ते हैं इन सरोवर की चर्चा पढ़ते हैं तो इन सरोवरों में कमल है कि नहीं है कि नहीं इन सरोवर में कमल। तो भैया जहाँ सरोवर है वहाँ कमल तो खिलेगा कि नहीं खिलेगा कहते नहीं हो आप कुछ कमल सूर्य ज्ञान शरीर आएगा तो खिलेगा। आप तो बता सरोवर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा। हाँ यार खिलेगा ना अब देखो तारण साहब खिला रहे जिनके अंतर में ये सर उत्पन्न होगा ने कमल हितकार हितकारी सम्य ज्ञान का कमल खिलेगा भगवान आता ज्ञायक भाव की परिणति जाग जाएगी। अरे मैं इन सब पर भाव से भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ इसी ज्ञान में अनुभूति कमल। देखो भैया आज अज्ञान भाव को हितकारी मान रहा है पाप करने को हितकारी मान रहा है घर गृहस्थी के काम करने को हितकारी मान रहा है दुनियादारी के इंद्रिय विषयों में लगने को हितकारी मान रहा है लेकिन जो इन सरोवर में स्नान करके निकलेगा वो इन प्रभाव से जुड़ने वाला नहीं है। तो तारा समय कह रहा है कमल हितकार सुनो तो अपना गायक स्वभाव ही हितकारी है और तो हितकारी नहीं है संसार में पर पर्याय से जुड़ना हितकारी नहीं है पर पर्याय में रत रहना हितकारी नहीं है पर पर्याय में उलझना हितकारी नहीं है। जीवात्मा यदि आत्मा के ज्ञान सरोवर में स्नान किया है
तो फिर इन संयोगों के बीच में रहते हुए ज्ञान भाव में रहना हितकारी है। तब तक कर्ता बन के मरोगे, घर का घर के काम करने वाला, परिवार का काम करने वाला, दुकान के काम करने वाला, कब तक अपने आप को कर्ता मान के मरोगे? कब तक अपने आप को इन संयोगों में विकल्पों में फंसा के मरोगे भैया? कभी तो स्वीकार करो, क्या स्वीकार करो कि ये सारी बाहर की व्यवस्था कर्म उदय जन्य है। और भैया मैं आत्मा, जो मैं आत्मा हूं इन कर्म भाव से भिन्न हूं, कभी तो स्वीकार करो। कब तक कर्ता बने रहो? जीवात्मा जब तक कर्ता बने रहोगे तब तक संसार के बंधन से छूटने वाले कमल का ज्ञायक स्वभाव हितकारी है। तारण समय क्या करे? स्थान हितकार। अरे जब जान लिया है कि सम्यक ज्ञान में रहने हितकारी है तो सम्यक ज्ञान कहाँ है? स्थान हितकार स्वस्थान में है, पर स्थान में नहीं। यदि आप राग के भाव में लगे हो ना तो सम्यक ज्ञान नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि अपन राग के भाव में लगे हैं तो सम्यक ज्ञान हितकारी नहीं है, नहीं मान रहे अपन। अरे अपन देश के भाव में लगे हैं तो अपन सम्यक ज्ञान हितकारी नहीं मान रहे। चेतावनी तो देनी पड़ेगी। तारण स्वामी की जो बात है उसे समझा, समझ अभी अपन बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हैं। और फिर देखो क्या कह रहा है, कमल हितकार ज्ञायक स्वभाव में रहना हितकारी है, स्थान का इस ज्ञायक स्वभाव अपने स्वस्थान में ठहरना ही हितकारी, पर स्थान में रहना हितकारी नहीं। और अर्थ का सुनो तो ये हितकारी स्वभाव ही प्रयोजनी है, और कहीं गए तो दुर्गति में पड़े रहोगे। अर्थ का ये प्रयोजनी स्वभाव हितकारी है। अरे तुम रत्नत्रय को हित का साधन मानो ना, अपने ज्ञायक भाव को हित का साधन मानो, स्वस्थान में रमणता को हित का साधन मानो। कह रहे ये हितकारी भाव ही प्रयोजनी है जिससे जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। देखो क्या कह रहा है, परिणाम हितकार। अरे जो जो आत्मार्थी भव जीव ऐसे ज्ञान सरोवर में रमण करते हैं उनके सारे परिणाम हितकारी होते हैं भैया, अर्थात अपने कल्याण का, अपने मुक्ति का मार्ग ही हितकार परिणाम। अरे अपना परम पारिणामिक भाव ज्ञायक भाव ही हितकारी है। तुम देखो तो उद्देश्य उत्पन्न हितकार, अपना लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ उत्पन्न हितकार, स्वानुभूति को प्रकट करना। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान का उद्देश्य एकमात्र निर्विकल स्वभाव हो वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? जिसका उद्देश्य विकल्प हो, जिसका उद्देश्य निर्विकल्पता है, जिसका उद्देश्य स्वानुभूति है, जिसका उद्देश्य वितरागता है, जिसका उद्देश्य मुक्तिश्री है, केवल ज्ञान है, अर्थात जिस उद्देश्य में अपना ममल स्वभाव है उत्पन्न उद्देश्य उत्पन्न हितकार, वो हितकार है। उसे उत्पन्न कर लो जल्दी से, अनुभव में ले लो भैया। ये घर गृहस्थी का काम कौन करेगा? अरे जीवात्मा कर्म के उद्देश्य होते हैं, परिणय उत्पन्न हितकार सारी करना है। बताओ ये तो बात क्या चल रही है कि शादी करना है कि नहीं करना, ये बताओ। ब्याह करना है नहीं करना? ब्याह करने के नहीं करने? करने अरे नहीं बनेगा वो। तारण स्वामी कह रहे हैं ब्याह करने के नहीं करने, तुम तो ये बताओ करने। तो तारण स्वामी कह रहे हैं परिणय उत्पन्न का, अरे अपने परिणय भी करना है तो हितकारी स्वभाव से करो, उस मुक्ति श्री बंधु में हितकारी भाव में रमण करो, अपनी परिणति पूर्ण वीतरा भाव बनाओ। ये परिणय सच्चा है जो गठबंधन से छूटने वाला नहीं है। और जो ये जो भवन ये तुम परिणय करोगे ना, ये वाला स्त्री पुरुष वाला कहने के जे परिणय का नियम से छूटेगा। परिणति बनानी है, परिणाम बनाना है, रमण करना है तो अपनी परिणति अपने ज्ञान भाव में परिणय करने योग अपना मंगल स्वभाव हितकारी स्वभाव है।
अर्थ स्वभाव है। देखा पढ़ने पढ़ने मतलब परिणति पढ़ना अपने उपयोग को अपने इस ममल स्वभाव की प्रकाशवाद अर्थ स्वभाव की आराधना में लगाओ भैया, ये मुक्ति श्री मधु को भर लाओ तो दुनियादारी के झंझट खत्म। और यदि अपनी परिणति में मुक्ति श्री वधु अर्थात मुक्त स्वभाव की अनुभूति को नहीं भरा तो हाय 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 में जीवन खत्म हो जाएगा और दुर्गति में जाओगे, अर्घ भूले नी पड़े, जल्दी से भर लाओ, वरण कर लो, इन सरोवर में स्नान करो, ज्ञायक भाव का कमल खिला हुआ है, स्वस्थान में ये प्रयोजनी है, इसके अनुभव में उत्पन्न होने वाले सारे परिणाम हितकारी हैं, ऐसे हितकारी स्वभाव का उद्देश्य बना के पढ़ने उत्पन्न हितकार, अरे मुक्ति श्री मधु को अपने घर बढ़ना, सब में ज्ञान की परिणति में आचरण करो और भाई जय जयकार मचा। और तारण समय आपकी बात नहीं माने तो तारण स्वामी हम आपकी बात नहीं माने तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, विवाह नहीं होगा, हाँ तो विवाह नहीं होगा काय करण जी, तारण स्वामी की बात नहीं माने तो विवाह तो होगा, एक संसार में विवाह होता रहा है अभी, और तारण स्वामी की बात मान ली, अब जिसने मान ली वो मान ले, और ये तारण स्वामी की बात नहीं मानी तो फिर तो संसार में विवाह होगा, नर्क से, निगोस से, त्रियज गति से, चार गतियों से शादी होगी। और देखो तारण स्वामी कह रहे हैं प्रमाण उत्पन्न हितकार, देखो भैया ये जो अपने हितकारी स्वभाव का अनुभव है, जो स्वानुभूति है, वो ही प्रमाण है, ये जो मोक्ष मार्ग है ना, व्यवहार से जो मोक्ष मार्ग है वो ही अनुभव प्रमाण है। तारण स्वामी कह रहा है ये हितकारी जो अपना स्वभाव है यही प्रमाण है, वीतरागी भगवंतों की वाणी में इसी सम्यक ज्ञान का उपदेश आया है। अब तो मान जाओ भगवान जी, मेरे अंतर में मेरा जो जागृत ज्ञान का स्वभाव है, मेरी जो चेतना है, ये मेरे लिए हितकारी है, तो उत्पन्न हितकार दर्शन ज्ञान पूर्वक इस हितकार स्वभाव में रमण करो, स्वानुभूति को प्रकट करो, उत्पन्न कर लो स्वानुभव। अरे ऐसे मत देखो हमें नटे नटे के, तुम्हारे अंतर में है, अपने में झांक के देखो तो स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी। अपने अंतर में झांक के देखो, उत्पन्न देखो, सम्यक ज्ञान दर्शन में ये प्रकाश प्रकट हो गया है, भगवान की ध्वनि स्वीकारता में आ गई है, अपने अंतर में झांक के देखो, ऐसा शुद्ध वो अविनाशी अनंत प्रकाशमान ये तत्व तुम्हारे अंतर में है, ये प्रमाण है। इस संसार में जितने विकल्प है ना, ये सब अप्रमाणिक है, प्रमाण तो भगवान के दिव्य वचन ही है, प्रमाण तो अपने हितकारी स्वभाव का अनुभव भी है, और एक बार अनुभव प्रमाण किसी ने भीतराग तत्व को स्वीकार कर लिया तो फिर आनंद के अलावा उनके जीवन में है, सम्यक ज्ञान ही हितकारी है, प्रमाण है, रोज चला रहा भगवान के वचन सत्य है, विलोम है, प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण, क्या प्रमाण है, तुम उन्हें भगवान मान रहे हो और अपने आप को भक्त, तो तुम पागल हो गए हो, आ रही कि नहीं अभी समझ में, ऊपर से जा रही वहां जो अनुभूति वो कर रहा है, वो अनुभूति मेरे अंदर में है, ये प्रमाण है, बुद्धि के चौकों से प्रमाण नहीं होता, प्रमाण अनुभव होता है। प्रभु जैसा हितकारी आपके केवल ज्ञान में लोकालोक का स्वभाव दिख रहा है, जैसे आप केवल ज्ञान में अपने स्वभाव की निर्मित अनुभूति में डूबे हुए हो, वैसा ही मैं
वैसे ही सगुण वाला मैं भी केवल ज्ञान स्वभावी सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव ऐसी स्वीकारता, इसका नाम है प्रमाण ज्ञान, इसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। और ये सम्यक ज्ञान जिसे होता है वो इस संसार में भटकता नहीं, क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के तीन भेद, वर्तमान में मति शुद्ध, अवधि मन पर्याय, और वो पूर्णता को केवल ज्ञान को प्राप्त करता ही है। एक बार सम्यक ज्ञान का अवतरण हो गया तो वो वृद्धिगत होता है, वो कभी घटता नहीं है। यदि स्वभाव की रुचि सच्चा श्रद्धा है तो क्या करना है? बहुत बढ़िया। और समय हो गया भैया, हमारी रामायण खत्म करने का टाइम हो गया, तो आप सब तारण स्वामी की समृद्ध देशता को सुने, अर्घ स्वभाव का स्मरण रखें, अर्घ भूलेंगे तो नर भूलना है, इसलिए शब्द सरोवर का स्नान तो हो ही गया, अब थोड़ा चिंतन करके अशब्द सरोवर की आनंद अनुभूति ले लो, और ये लुटिया लग जाए गुप्त सरोवर में डूब जाओ, और अपना हितकारी सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है ऐसा जानना। ये कह सकते हैं कि अपने स्वभाव में शादी अनंत काल के लिए गुप्त हो जाना गुप्त सरोवर, हाँ कह दो पूर्णता की अपेक्षा कह दो, लेकिन और आगे के सरोवर में तारण स्वामी केवल ज्ञान में स्नान करवाएंगे आपको, बिल्कुल अपन चलेंगे उन सरोवरों में भी। जी जय मसीह।